अगर आप मेरा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए, क्योंकि ये एपिसोड इसका कंटिन्यूशन है। अगर आपको नहीं देखना है कोई बात नहीं, ये एपिसोड आप कंटिन्यू करिए और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाकी इस सिटी का क्या बचा है बाकी। तो इसलिए मैं आपको बोला था पिछला एपिसोड भी आप मेरा देखिए, फिर इसमें आइए तो आपको मालूम होगा कि मैं पहला एपिसोड में मैंने क्या क्या किया था। कोई बात नहीं, तो हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कहाँ जाने का है। और एक्चुअली ये सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ओ देखिए पूरा याट 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 या यहाँ पे सिर्फ याट मिलेगा। कूल आपको देख रहा है कोई स्विम कर रहा है यहाँ पे। तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं ये स्ट्रीट्स को। एक्चुअली जस्ट बीच समुंदर उस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर शॉपिंग एरिया देखिए हो समुंदर है, और इधर चलने का Paiti got Instagram? Yes. Yes, Paiti, how are you? Say hi to me. No? Hmm? Paiti. Paiti Krishna. If you want to follow yes. her, yes. that's the Instagram. Paiti. Yes. Awesome. Thank you. कितना beautiful है देखिए street, और ये सीधा हमको लेके जाएगा समुंदर में, और वो समुंदर एक्चुअली मेडिटेरियन सी है। वाह awesome. कितना ब्यूटीफुल है, वाह ऊपर देखो देखिए कुछ इतिहास है यहाँ पे। तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, गुड लक चार्म है यहाँ पे सिर्फ, मैंने देखा है। देखें ये किस्म का आंख जैसा है, तो ये गुड लक चार्म है बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हर एक जगह मिलेगा, फुटपाथ से लेकर घर में देखे सब कुछ। ओह इंटरेस्टिंग, ये कोई फुटबॉल क्लब है लगता। आसमान से गिरा और टपका चर्च में, तो ये चर्च एक्चुअली सेंट ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, लगभग लेट 18th सेंचुरी से लेके अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ बनाया गया था, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट निकोलस। तो आपको मैं अभी इसका वो दिखाता हूँ, बढ़िया ब्यूटीफुल। अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये एक्चुअली ऐसा दिखता था, ब्यूटीफुल था लगता। देखो मैंने दोबारा, क्योंकि इसके अंदर भी कुत्ते ने चींची करके रखा है, सब जगह चींची करके रखा है कुत्ते लोग, बिल्लियां स्मार्ट है इसके लिए। तो अभी साफ करते हैं और जाते हैं आगे। देखो काली बिल्ली, time to go home now, now that
reflection of light. I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Thank you, thank you. That was awesome. तो बाय द वे एक्चुअली ये जितना जो यार्ट आपको दिख रहा है ये आप एक्चुअली डेली के लिए वीकली के लिए आप रेंट कर सकते हो और आप समुंदर में जा सकते हो। देखो डेली चार्टर्ड, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दो घंटा, पाँच घंटा, जो भी आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा। आज बहुत विंडी दिन है। ये देखो, देखा सब रेंट में है। कितना बढ़िया लग रहा है। बोधरोम बोधरोम ये मस्त लग रहा है भाई। वो देखिए ब्यूटीफुल। ये सारा यार्ड आप नहीं रेंट कर सकते क्योंकि ये तो प्राइवेट लग रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखो 007, वाव दिख रहा है 007। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये एक्चुअली लेके जा रहा है आपको ताचा बोल के एक जगह जहाँ पे लगभग 70 लीरा लगता है और आपका अपना गाड़ी घोड़ा सब आप इसमें फेरी में डाल के लेके जा सकते हैं। और यहाँ से आप एक्चुअली ग्रीस भी जा सकते हो लेकिन अभी बंद है, तो कितना प्राइस है मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रीस का जो आइलैंड है सिर्फ 20 मिनट में आप ग्रीस पहुँच जाओगे, लेकिन हमको वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा। पता है ना, यूरोप कंट्री है ग्रीस, लेकिन ये कोई यूरोप से कम नहीं है भाई। बढ़िया, देखो ग्रीस जाने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या चाहिए आपको लाइफ में? याट, राइट? सीरियसली याट चाहिए। ये बोधरूम जाने का दरवाज़ा है, अगर आपको बोधरूम जाना है तो ये दरवाज़ा के अंदर से ही आप जा सकते हो। लेकिन याट तो ख़त्म नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे बहुत याट 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 याट, बस याट ही याट है याट। तो लेकिन मेरे लिए छोटा वाला भी चलेगा। चलो कोई भी गली में और खो जाओ, बहुत मज़ा आता है। देखो अभी यहाँ पे भी गली है, नहीं ये तो घर जा रहा है, लेकिन ये गली है तो यहाँ पे सारा घर सफ़ेद और नीला कलर में, मतलब सर बिल्डिंग का कलर सफ़ेद है। अब देख सकते हो विंडो, और देखो विंडो विंडो डोर ग्रिल वो सब नीला है, बढ़िया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है पूरा स्ट्रीट क्लीन है। ओह आपको ये दिखाता हूँ, देखो मॉस्क वो भी सफ़ेद और ब्लू है। ये व्यू देखिए कितना बढ़िया, ऊपर भी घर है इतना ऊपर। टें टें कहाँ मेरा उंगली कहाँ गया, ये देखो उंगली ऊपर तक घर है। और वो रहा समुंदर और वो रहा फोर्ट, और फोर्ट मुझे जाना है, देखते हैं अथुट तक। ये देखो मिर्ची मिर्ची, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये एक्चुअली वाटर रिजर्वर है, मतलब पुराना टाइम में जब पानी नहीं होता था तो पानी इसके अंदर भर के रखता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इसमें पानी है, लेकिन बहुत गंदा पानी है, साफ नहीं किया लगता सालों से। कोई बात नहीं, अभी तो पानी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं इसका दूसरा व्यू दिखाता हूँ। सो ये दूसरा व्यू आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल। एक्चुअली आप ध्यान से अगर नहीं देखोगे ना आपको लगे ये घर है करके, क्योंकि यहाँ सारा घर वाइट और ब्लू में है। तो सडनली मैं देखा ये क्या सा ऐसा हो गया डॉम जैसा है। तो एक्चुअली इसमें पुराना ज़माना में पानी भर के रखते थे लोग। अगर आपको सुनाई दे रहा है पता नहीं, यहाँ पे एक हिस्ट्री है, एक लोकेशन है, देखिए कितना बढ़िया है। और एक्चुअली 2-3 लोग यहाँ बैठे भी है, और सन बात ले रहे हैं लगता, लेकिन बढ़िया जगह है। स्टेप्स है यहाँ पे, तो मैं भी जाऊँगा बाद में, लेकिन ये व्यू देखिए, ये व्यू
बढ़िया हो रहा समुंदर, एक बोट है लगता है इसमें, हो रहा फोर्ट, वाह पूरा बोधरूम सिटी यहाँ दिख रहा है मुझे तो, बढ़िया घर देखिए यहाँ का, देखो ये घर भी बढ़िया है, ये घर भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, सारा घर बढ़िया है। तो चलते हैं आगे। तो अभी मैंने ये खाया, कुरोन्स बोलते हैं इसको, और उसके साथ मैंने कैरामल सॉस के साथ खाया, और ये एक्चुअली इंडिया में नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो चुका है, और नेक्स्ट ब्लॉग तक आप वेट करिए, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना शूट, तो आज शाम तक शूट करूँगा सब कुछ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँगा आपको, और भी आगे बहुत बाकी है। ये गाड़ी घोड़ा ना पूरा ब्लॉक की वाट लगा देती है, कर। तो ये ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, तो आप एंजॉय करिए, और कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करिए अपना फेसबुक इंस्टाग्राम या ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, ताकि मैं और से ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ, और बस लाइफ अच्छा है भाई, और टर्की बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं, मतलब किसी ने मेरे पर अभी तक गुस्सा तक नहीं किया, मतलब एक भी नहीं, इतने अच्छे, मतलब इतने अकोमोडेटिंग है। मैं नहीं बोल रहा कि इंडियंस अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो टर्की आइए, इन्जॉय करिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कॉमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। स्टेप 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 स्टेप, चल चल के मैं परेशान हो गया अकेले यहाँ पे। क्रेजी। तो ये है यहाँ का थिएटर प्लेस, ऑसम awesome।